सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल है जी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल्स विद गुरु दे विच। जिवें कि तुसी देख रहे हो, अज असी चले सी आमिर फोर्ट। असी जदों आमिर फोर्ट जा रहे सी तां रस्ते च सानूं बहुत ही सारे सुंदर व्यू देखण नूं मिले, ते मन खुश हो गया देख के। मैनूं इंज लग रहा सी कि जिवें मैं इत्थे किसे हिल स्टेशन दे विच आ गया होवां। मैनूं लग ही नहीं रहा सी कि मैं इस वेले जयपुर दे विच घूम रहा। बट सीरियसली दसां, बहुत खूबसूरत जगह सी। मैं सोचा अपना कैमरा कढ के कि तुहानूं वी इह जगह दिखाई जावे, मैं इस करके इत्थे वी शूट करन लग पिया। यह जगह जयपुर तो किन्नी दूर पैंदी है, इहदे बारे मैं तुहानूं अगली वीडियो च दसदा। पहला तुसीं ना आले दुआले का व्यू देखो पूरा, तुहानूं लगेगा कि जिवें तुसीं हिल स्टेशन दे विच हो इस वक्त। चलो वीडियो शुरू करदे आ, तुहानूं इस बारे दसदे आ। दोस्तों दसदा, अगर वीडियो चंगी लगे लाइक एंड सबसक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों हुण मैं तुहानूं दसां, यह हैगा पन्ना मीना का कुंड। आ तुसीं देख सकदे हो कि किन्ना खूबसूरत पन्ना मीना का कुंड आ। पन्ना मीना के कुंड जाने वास्ते कोई भी तुहाडी टिकट नहीं लगती है, कुछ भी नहीं लगता। तुसीं सीधा इत्थे एंट्री लैके अंदर आ सकते हो, देख सकते हो। यह कुंड है जिहड़ा तकरीबन सिटी के विचों 15 से 16 किलोमीटर दूरी के विच पैंदा है। कुंड के विच ना बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग भी हुई हुई है, जिहदे विच एक शूटिंग सी पहली रानी मुखर्जी की फिल्म सी, उहदी भी शूटिंग इस ही कुंड विच हुई है। कुछ इतिहासकार कहिंदे ने कि यह पन्ना मीना के कुंड का निर्माण महाराजा जय सिंह के वेले का होया है, बट कुछ इतिहासकारा का कुछ और ही कहना। इस करके मैं इस इतिहास की पूरी जानकारी नहीं है। बाकी मैं तुहानूं दसदा, तुसीं देख सकते हो कुंड दे विच किद्दां पौड़ियां बनाई हुई हैं, सीढ़ियां बनाई हैं, एक दूजे दे एक, किन्ना खूबसूरत टैक्सचर बनाया होया है। पुराने समय के मैनूं लगता आर्टीटैक्ट जिहड़े हैगे सी, नवें आर्टीटैक्टां नूं भी मात पाते हैं, किन्ना वधिया स्ट्रक्चर बनाते हैं, देख सकते हो। दोस्तों पन्ना मीना के कुंड आने तक कोई बस नहीं आती है, इतने तुम टैक्सी लैके आना पवेगा या तुम अपनी एक्टिवा लैके आ सकते हो। उत्थे मैं एक गल नोटिस की इतने कि जोड़े टूरिस्ट आते थे आमिर फोर्ट देखने, पन्ना मीना के कुंड जाते नहीं, उन्होंने पता नहीं पन्ना मीना का कुंड जा दूर होने करके नहीं जाते। जो जयपुर के आओ आमिर फोर्ट देखना, तो बिल्कुल वो ही पन्ना मीना का कुंड हैगा, जोड़ा कि तकरीबन 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस के तुम पै जाएगा। ये आले दुआले जिन्हें भी घर तकरीबन तुम्हें पुराने टैक्चर के ही देखने को मिलेंगे, बहुत घट इतने नवे टैक्चर देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों अगर किसी ने बारे जानकारी पता हो ना प्लीज़ तुम दस देना, क्योंकि मैं इस पन्ना मीना के कुंड के बारे तकरीबन 3 से 4 स्टोरियां पढ़ चुके हो, बट मैं पता नहीं लगता इतिहास कि सच है। एक गल मैं तुम्हें होर दसदा, रानी मुखर्जी की फिल्म देखी होगी पहेली, उसकी शूटिंग भी इतने ही हुई है। तुम देख सकते हो कि जो रानी मुखर्जी थले मूँह पहुँच जाती है, शाहरुख खान के नाल उन्होंने मूवी हैगी है, इन्हें फिल्म देखी आ, उन्होंने तो पता लग गया होगा कि हैगी है। जिन्होंने नहीं देखी वो जाके सर्च कर लो, रानी मुखर्जी इतने मूँह धोन आती है, शाहरुख खान है हमारा, तो वह भी कुछ इस तरह की ही मूवी है। मैं स्पैशल ऐस दिखाने वाला कि इस अलावा ना ये अगर होर कुछ भी नहीं है। इस तो बाद कुंड देखने तो बाद दोस्तों पन्ना मीना कुंड देखने बाद हुण असीं निकल पए आमिर फोर्ट देखने, जिहड़ा कि पन्ना मीना के कुंड तो तकरीबन 10 मिनट की दूरी के उत्ते हैगा। असीं उह देखण चले गए सी, देख सकते हो कि इहदा भी मैं तुहानूं व्यू दिखा रहा सारा, देख सकते हो किन्ना सोहना व्यू सी कि असीं हिल स्टेशन के उत्ते घूम रहे हुए हाँ। आमिर फोर्ट देख सकते हो सारे का सारे, मैं बाहरों ही दिखा रहा, तो अंदर ना मैं जान नहीं गया। बाकी तुम बाहर का व्यू देख सकते हो कि किन्नी भीड़ है, की कुछ है ये सारी की सारी तुम देख सकते हो। बा इतने पार्किंग है सामने, 20 रुपये पार्किंग लगते हैं। ए बनते हो कि इधरले पासे पानी है, तो पानी के उपर है सारा महल, देख सकते हो कि मैं तुम्हें लोग दिखा देना, देखो किन्ने ज़्यादा लोग है। इनू आमिर फोर्ट कहते हैं, देख सक क्या खूबसूरत व्यू है। मैं तुम की दसा ये बारे कि तुसी वीडियो जी देखो किन्ना ज़्यादा शानदार लगन दिया। मैं ना तुम दूजी गल दसदा, राजस्थान के जयपुर तो बिल्कुल आउटर पैंदे आ, बारों बार पैंदे आ। दूजा ना जयपुर के बड़ी बारों बार पैंदे, तकरीबन जयपुर के तुहानू 20 से 25 किलोमीटर दूर पैणगे। तो अगर तुम अपनी एक्टिवा हायर की होगी तो बहुत वधिया कि जिदा मर्जी घूमो फिरो, कोई टेंशन नहीं है। अगर तुम एक्टिवा हायर नहीं की तो तुहानू बड़ा ही कोस्टली पवेगा कि इतों तक। तो दूजी गल है तुम इतने गाइड 50-100, 200 रुपए भी विकते मिलेंगे, गाइड ले लो गाइड ले लो। यार तुम गाइड लैके की करना, कि एग्जाम देना उत्थे जाके, ठीक है ना। एग्जाम दे लोगों की खासियत होंगी है, देख सकते हो कि किन्ना पानी के गंद मंद सुटिया हुआ, जेड़ा कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि करता टूरिस्ट नूं, जिदा बाहरों भी आते हैं।
ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹੀ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਉਹ ਬਈ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਦੇ ਲਓ ਆਟਾ ਦੇ ਲਓ ਆਟਾ ਦੇ ਲਓ, ਥੱਲੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੰਝ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਟਾ ਲੈ ਲਓ ਆਟਾ ਲੈ ਲਓ ਇੰਝ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰਿਓ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈਣਗੇ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਆਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਨ ਰੋਡ ਇੰਨਾ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਕਹੂੰਗਾ, ਬੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜਾ ਸਾਧਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਹਰ 5-5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਾ ਦੇਵੋ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਆਇਓ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।